हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी को किस तरह से तैयार करते हो। तो मैंने सोचा फाइनली कि क्यों ना इस पर मैं वीडियो ही बना दूँ, क्योंकि कमेंट में इतना रिप्लाई देना इतना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ही बना देती हूँ, वही सही रहेगा। तो फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी मिट्टी को मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। तो वीडियो बने रही, आपको दिखा रही हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप कि मैं किस तरह से मिट्टी को तैयार करूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब अगला वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास पहुंचता रहे वीडियो का सबसे पहले। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी आप इस तरह का चूज करते हैं। ये मैं नॉर्मल मिट्टी खेत का ही है, नॉर्मल जो आप लोग सब्जी उब्जी उगाते होंगे खेत में, वही मिट्टी से आप बना सकते हैं, या फिर गमले का ही मिट्टी से आप बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने पानी लिया, इसमें हम डालेंगे इसको फूलने के लिए। चलिए इसको डाल देते हैं। इस तरह से हम डाल देंगे सारा, इसको भी डाल देंगे। इस तरह से हम पूरा मिट्टी को हम डाल दिए फ्रेंड्स। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको फूलने के लिए। 10 minutes later. इस तरह देख सकते हैं पूरा मिट्टी ये मिल चुका है पानी में। इसको अच्छे से पानी मिला देंगे पहले। सो गाइस, देख सकते हैं पूरा मिट्टी को हम अच्छे से मिला दिए हैं। देखिए, इस पूरा मिट्टी इस तरह से पानी में घुल चुका है। अब इसको हम इसके लिए मैं इस तरह का बर्तन आप ले सकते हैं, इस तरह का आपके पास जो भी है आप ले सकते हैं। और ये है छानने के लिए, आप उस एक जगह पर कपड़ा का भी यूज कर सकते हैं, कॉटन कपड़ा, जो इसे छान सकते हैं अगर ये आपके पास नहीं है। तो मैं इसी से करूंगी फिर। तो इस तरह से हम किसी के हेल्प से इसको पकड़वा देंगे, उसके बाद इसको हम पकड़ के इस तरह से गिराएंगे इसमें। इस तरह से पूरे मिट्टी को हम छान देंगे अच्छे से, उसके बाद हाथ से इसे मिलाते रहेंगे ताकि वो अच्छे से गिर जाए पानी। हम इसे भी पूरा डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो पानी ऊपर आ जाए और मिट्टी अंदर नीचे चल जाए। सो फ्रेंड्स, देखिए कुछ देर के बाद इस तरह से पानी ऊपर आ चुका है मेरा, देख सकते हैं मिट्टी अंदर चला गया। तो इसको हम अच्छे से नीचे से गिरा देंगे धीरे धीरे करके। ऐसे हो गया हमारा। अब इसको हम एक कपड़े में छान लेंगे इसको। तो चलिए, अब हम एक कपड़े में सारे मिट्टी को डालेंगे। अब इस तरह से मैंने बर्तन लिया, उसमें कपड़े को डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह का कपड़ा आप मोटा ही चूज कीजिएगा, क्योंकि अगर पतला करेंगे तो मिट्टी सारा गिर जाता है, इसलिए मोटे कपड़े में ही डालें मिट्टी को। इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, सारे मिट्टी को हम डाल दिए हैं, देख सकते हैं आप। अब इसको हम अच्छे से बांधेंगे चारों तरफ का एक अच्छे से पकड़ के। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम अच्छे से इसको बांध दिए हैं। अब इसको हम अच्छे जगह पे एक जगह पर टांग देंगे इसको। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको टांग दिया। अब इसको हम एक दो दिन के लिए छोड़ देंगे, अब ये सूख जाएगा, उसके बाद हम निकालेंगे कैसा हुआ है मिट्टी। 2 days later. सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा 2 दिन कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए आप लोग को इसको खोल के दिखाते हैं कि हमारा मिट्टी किस तरह का तैयार हुआ है। तो चलिए इसको हम खोल के दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मिट्टी हमारा किस तरह का रेडी हुआ है, कितना सॉफ्ट, कितना ये क्लीन है। तो इस तरह से आप अभी बना सकते हैं। बहुत लोग कमेंट में बोल रहे थे कि नॉर्मल मिट्टी से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं नॉर्मल मिट्टी से ही मैंने बनाया हुआ है, इसी से मैं मूर्ति बनाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट है ये। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप भी लोग आप लोग भी बनाइए, मिट्टी तैयार कीजिए फ्रेंड्स। इसी मिट्टी से मैंने सारा मूर्ति बनाया हुआ है, जो कि चैनल पर बहुत सारा मूर्ति का वीडियो है, आप लोग अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए। इसी मिट्टी से मैंने सारा मूर्ति बनाया हुआ है, कितना क्लीन और कितना स्मूथ बनता है इससे, एक बार जरूर ट्राई करें। सो फिर इसी तरीके से आप लोग ही बना सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। एक बार ट्राई करेंगे आप लोग तो हो जाएगा आप लोग से भी। बस हो सकता है फ्रेंड्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग का भी सॉफ्ट होने लगेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। एक बार आप ट्राई करें, जरूर बनेगा आप लोग से भी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जो बताएगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जो किया चैनल को। तो कमेंट में जो बताएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आप कमेंट करना नहीं चाहते तो सिर्फ रेड हॉट ही कर सकते हैं, इतना से हमको खुशी होगी कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताएगा अगला मूर्ति मैं किस चीज़ का बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।